हिल इंडिया समिट के थीम में मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का ज्यादा ही जुड़ाव है और मैं आभारी हूं माननीय मंत्री जी का, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का, कि इन्होंने इस समिट को यहां किया है। और संभावनाएं असीम है यहां, हमें आवश्यकता भी इस बात की है। यहां पर अगर हेली सेवा शुरू होती है तो मैं सर्विस प्रोवाइडर्स को भरोसा देना चाहता हूं कि पूरे वर्ष भर आपको ट्रैफिक मिलेगा। ऐसे अनेक स्थान है, 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन हमने सेलेक्ट किए थे, उसमें कई डेवलप कर दिए गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधाएं आपको उपलब्ध करानी होगी, हम आपको भरोसा देते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपकी हर व्यवस्था, हर सुविधा के लिए हर प्रकार का काम करेगा। इसलिए इंडस्ट्री कैप्टन जो यहाँ हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी में बिजनेस की संभावनाओं को देखते हुए इसे हकीकत में कैसे तब्दील किया जाए, इस अभियान में आप पार्टनर बनिए। जम्मू कश्मीर आज विकास के नए शिखर की ओर बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा में आप सबकी सक्रिय भागीदारी मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी को जोश भी भरेगी और संकल्प के साथ प्रेरित भी करेगी। It indeed is a pleasure and an honor that this year we are having the Heli India Summit in Srinagar, in Jammu and Kashmir, the idyllic location across the world known as the Venice of the East, the Shangri-La of the world, surrounded by its pristine lakes, its idyllic surroundings, and truly encompasses the thought and the emotion कि अगर स्वर्ग कहीं पृथ्वी पर है तो वो स्वर्ग जम्मू और कश्मीर के रूप में पृथ्वी पर है। जम्मू में हम लोग नया सिविल एनक्लेव बनाने जा रहे हैं 861 करोड़ रुपए के, ताकि जम्मू का विस्तारीकरण हो पाए, और श्रीनगर में जो वर्तमान टर्मिनल है 20,000 स्क्वायर मीटर का, उसे तीन गुना बढ़ाकर 63,000 स्क्वायर मीटर का एक्सपेंशन हम लोग करने वाले हैं 1,500 करोड़। ये एक संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और एक ऐसा वातावरण प्रगति और विकास का हमें बनाना होगा, और वो नागर विमानन क्षेत्र एक मुख्य अंग है उस सपने को साकार करने।